मैं सर कॉम्प्रोमाइज के लिए बिल्कुल रेडी हूँ सर। सर इनकी 5 की बात हुई थी और सर जो कोर्ट का लिखा पड़ी है सर क्या बता देते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए आप, मेरे पार्ट पे है नहीं, मैं पार्टी बुला लेता हूँ, फिर श्रीमान जितने में कहेंगे वो लोग तैयार हो जाए, क्योंकि मैं अपने पार्ट पे उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे मालूम है। सर मेरा सुन लें, क्योंकि ये जिस हिसाब से मतलब आप पैनल ऑफ एडवोकेट्स देखिए, ये मतलब जॉबलेस आदमी लग रहा है सर आपको, जॉबलेस आदमी। मैंने कोई ड्राफ्ट बनाया, मैंने ड्राफ्ट बना के भेजा, मुझे एक मौका दें सर, मैं कोर्ट के, ये तो अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे जो मुझे पता नहीं है सर, मैं कोर्ट का डॉक्यूमेंट ला के दिखाता हूँ सर आपके सामने सर, मुझे एक शॉर्ट डेट दे दें कल की, खुद दे देंगे शॉर्ट के, लॉन्ग डेट दे देंगे सर। सर जो जो वास्तविकता है वो मैं दिखा देता हूँ, मैं बिना पार्टी से पूछे हुए 10 लाख रुपए, चूंकि 2 साल पहले तय हुए थे 10 लाख रुपए, मैं आज भी तैयार हूँ, ये मैंने मतलब बस इसको, और ये इसकी भी तय हो चुकी है, पर चूंकि क्या है मुझे सर कल नेगोशिएशन हो सकता हो तो पार्टी को बुला लें सर। अरे यार देखो यार, पार्टी ने कब्जे में 200% बस हाँ यार बढ़ रहे, देखो कल इनका पलट जाएगा, बोल 12 मार लेंगे क्या मतलब। पल्लव जी इस मामले होते हैं इस पर मोमेंट के हुआ तो थैंक रहा था, नहीं तो क्या फिर आज फिर दिमाग पलट जाए, बहकाने वाले बहुत रहते हैं, सलाहकार बहुत हैं, ठीक बात, आदमी अपना भविष्य छोड़कर सलाहकारों की सलाह मानता है घर के घरेलू मामले में, ठीक बात, उनको मजा आता है आग लगाने मारे क्या करना, सबसे बड़ा मजा सबसे दुश्मन तुम्हारे पड़ोसी दिए बत्ती ले घूम रहे तुम्हारे आग लगाने के लिए, अपना सोचो भाई बोल रहे तुम इतने प्यार से बोल रहे हैं, हमको टू वीक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई, क्या है क्या मामला क्या है, एक दो रिवीजन है चार्ज के अगेंस्ट में, यार रिवीजन होते रहते है क्या मामला क्या है, मायलट मामला ये है 2011 में अनडिस्प्यूटेडली हमारी शादी हुई, मैं पत्नी की तरफ से, ये पति है और ये पति के वकील साहब हैं, शादी होने के बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट बना नेक्स्ट डे, पति ने 9 साल, आप पति हैं, ये पति क्या करते हैं आप, IT कंपनी में थे, वर्तमान की जानकारी नहीं है सर, इन्होंने इतने सारे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ क्या करते हैं आप, फिलहाल मैं जॉबलेस हूँ, सॉरी सर फिलहाल जॉबलेस हो सर, क्या बोल जॉबलेस, अच्छा पहले क्या करते थे सर, पहले मैं इंजीनियर था सर बेंगलोर में, और इन्होंने सर इतना, अरे यार सॉरी सर, कौन सी कंपनी में थे सर, मैं कॉलिन सर्विस केस में था, हाँ कितना पैकेज था आपका, अरे पैकेज झूठ क्या है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्या झूठ बोल रहा है यार, सही बता दो, इतना मनोबल रखो सच बोलने का, सर 1 लाख रुपीज पर मंथ, हाँ देखो आप कितना आदमी होशियार है, पैकेज होता है ईयरली, हमको एक लाख बता रहा है 1 लाख का पैकेज, ऐसा मत समझो यार, गुमराह मत कर, डोंट ट्राई टू मिसगाइड द कोर्ट, फिर क्या हुआ तो मैडम क्या करती थी, मैडम मैडम अनएम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, शादी हुई थी तब भी हाउसवाइफ थी, इन्होंने नेक्स्ट डे एक मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, विदेश जाना था, विदेश नहीं कहीं नहीं जाना था, ये बेंगलोर में नौकरी कर रहे थे, तो इतनी फुर्ती से सर्टिफिकेट विदेश जाने की बनता है, एक्चुअली डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कराने के लिए मेरे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है सर, और ये चूंकि IT कंपनी में थे इनके बाहर जाने की भी संभावनाएं थी, अच्छा बिल्कुल हाँ वही सही, तो पासपोर्ट ही नहीं झूठ बोल रहे, 2011 में हमारा मेरे सर्टिफिकेट बन गया सर, 9 साल बाद बीच में हमारा डिस्प्यूट चालू हो गए 498 और सारे जितने मैट्रिमोनियल का पैकेज है पूरे केसेस, पूरा पैकेज आ गया, 8 साल बाद इन्होंने गुजरात कोतवाली थाने में एक आवेदन दिया कि जो मैरिज सर्टिफिकेट बना उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं है, मेरे साथ 420 हो गई, 420/67/71 का अपराध कायम किया जाए, उस पर से गुजरात कोतवाली ने FIR दर्ज कर ली साहब, मेरे ऐसे सुझाव है आपको, आप कहाँ के रहने वाले हो सर, मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में मुझे ग्वालियर, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, शिवपुरी का रहने वाला हूँ सर बेसिकली, और लड़की वो ग्वालियर की है, उनके फादर मदर फादर क्या करते हैं, मदर शायद नहीं है, फादर रिटायर्ड एम्प्लॉई है, कोई इशू है आप लोगों को, बच्चे बच्चे हैं, एक बेटा है सर, मिलने नहीं दिया जाता था, कहाँ है बेटा सर, इन्हीं के पास है, तो कोई संभावना है साथ में रहने की सर, मैंने इनको सबसे पहले ये बताओ, नहीं होता सर कि आपस में बैठ के कर लें ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लें, मैंने सबसे पहले सुझाव यही दिया था सर, कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके दिल में जगह है पत्नी के लिए नहीं बच्चे के लिए, रख लो मालिक सर, इतना ही उन्होंने मेरे को प्रताड़ित कर दिया, झूठे केस लग गए, मैं पैरालाइज हो गया, अब मैं नहीं रख सकता, अच्छा बस ठीक, तो आप क्या देने को तैयार हो इनको सर, अभी जो नीचे बात हुई थी सर, इन्होंने 5 लाख की बात की थी, और उसके बाद सर इनकी ऑर्डर शीट पे भी आ गई सर, जवाब नहीं दे रहे, क्या करना, मीडिएशन कॉल कर लें सर, मैं दे दी, एक मिनट यार, 4-5 सीनियर एडवोकेट के साथ, अरे यार तुम 4-5 बार ड्राफ्ट बन के, ऐसा है पल्लव जी,
इसे मामले होते हैं इस पर मोमेंट के हुआ तो साइन करा दो, नहीं तो क्या मेरे हर पर दिमाग पर बहकाने वाले बहुत रहते हैं, सलाहकार बहुत हैं। आदमी अपना भविष्य छोड़कर सलाहकारों की सलाह मानता है घर के घरेलू मामले में, ठीक बात, उनको मजा आता है आग लगाने में, क्या करना, सबसे बड़ा मजा सबसे दुश्मन तुम्हारे पड़ोसी दिए बत्तले घूम रहे तुम्हारे आग लगाने के लिए, अपना सोचो बस 10 लाख रुपए का 13B की एप्लीकेशन बनके 4 एडवोकेट्स के साथ में एक्सचेंज हो चुकी है हमारी 10 लाख रुपए की, मेरे मोबाइल में PDF भी है उसके, 4 जगह भेजी बना बना के मैंने और चारों जगह हमने ऐसा है अभी भेजी रिसेंटली, जो आदमी डॉक्टर के पास सच्चाई से नहीं आएगा इलाज नहीं होगा, नंबर वन घूमते रहो हमें क्या करना, रिकॉर्ड रूम भरा हुआ है और 2.5-3 लाख रुपए का इनका सैलरी थी, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है। अरे यार देखो यार देखो, जब कड़वाहट आ गई ना, ये आदमी जाए कम से कम निपटो, आप चाहो पार्टी बुला लेता हूँ श्रीमान, अरे यार पार्टी वार्टी को लेना, जैसे आप बताओ पार्टी समझ जाएगी, 2.5 लाख रुपए और इसके सर मैं एडवोकेट के नाम नहीं लेने चाहिए, अतुल गुप्ता जी से भी बात हुई सब जगह, तो सर ये एक्चुअली क्या है कि ये अब 2 साल पहले 10 लाख में जब तय हो गया था तो आज पार्टी 7.5 लाख में कैसे तय करेगी, और ये 9 साल से 10 साल से 12 साल से 2011 से मामले चल रहे हैं सर, हमसे मेंटेनेंस तो ले रहे हैं सर ये कंटिन्यूअसली, और सर छोटे केस में सर गवाही देने नहीं आते सर, 498 में सर 18 से लगा सर, इट इज एंडलेस प्रोसेस सर, सर देखो और अभी सर वो तो भैया देखो सर एक निवेदन कर लूं सर, एक मतलब नहीं निवेदन करने से सर, हम आपको भला चाह रहे हैं बस, जी सर सॉरी सर, कोई मतलब नहीं, ये तो राम तुम भागवत है 24 घंटे चला के तो कम पड़ेंगे आपके समझ में है सर, हम रेडी हैं, आरोप प्रत्यारोप का तो कोई अंत नहीं है सर, हम रेडी हैं, हाँ हम रेडी हैं, प्लीट गिल्टी है, फाइन निपटा खत्म, कोई मतलब नहीं कंटेस्ट करने से, परिवार के मामले कंटेस्ट निकल किए आते, बस तुमको शांति चाहिए ना, इलाज समझ लो शांति का ये, क्या भाई पल्लव जी सर कुछ कब 2021 में ड्राफ्ट भेजा था मैंने PDF बना के 10 लाख रुपए इसमें तय हुए थे, तो फिर 10 लाख रुपए दिया क्यों नहीं इन्होंने, नहीं दिया ना इन्होंने तो मना कर दिया, हम तो तैयार है सर, मैंने खुद ड्राफ्ट ड्राफ्ट किया था, मैं हूँ इस केस में 2019 से हूँ, मैंने खुद ड्राफ्ट बनाया, मैंने ड्राफ्ट बना के भेजा, मुझे एक मौका दें सर, मैं कोर्ट के, ये तो अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहा जो मुझे पता नहीं था, मैं कोर्ट का डॉक्यूमेंट ला के दिखाता हूँ सर आपके सामने सर, मुझे एक शॉर्ट डेट देते हैं कल खुद दे देंगे, शॉर्ट के लॉन्ग डेट दे देंगे यार सर, सर जो जो वास्तविकता है वो मैं दिखा देता हूँ, मैं बिना पार्टी से पूछे हुए 10 लाख रुपए चूंकि 2 साल पहले तय हुए थे, 10 लाख रुपए में आज भी तैयार हूँ, ये मैंने मतलब बस इसको, और ये इसकी भी तय हो चुकी है, पर चूंकि क्या है मुझे सर कल निगोशिएशन हो सकता हो तो पार्टी को बुला लें सर, अरे यार देखो यार पार्टी नहीं कब्जे में 100% बस, हाँ यार बढ़ रहा देखो कल का पलट जाए बोल 12 मार लगे क्या मतलब, निपटा लो देखो बता रहा हूँ, बकालतनामे देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े ऑफिसरों के लगे नौकरी छूट गई इनकी, पर ये है कि 10 लाख रुपए सभी ठीक अमाउंट है, 2 साल पहले हो चुका है, सीनियर एडवोकेट आर के शर्मा साहब भी इनके वकील साहब केरता साहब भी बड़े बड़े मतलब, तो नौकरी तो नहीं छूटी होगी इनकी, और 2 साल पहले टेम्पररी काम कर रहा है दिल्ली से, टेम्पररी काम कर रहा है बिकॉज ही इज इन टेक्निकल, तो बोलते क्यों कोर्ट के चक्कर लगा रहे अपना अपने लोगों को सर, वही कह रहा है इनको शुरुआत से राइट फ्रॉम बिगनिंग हम उनको यही समझा रहे हैं, अपनी पूरी कैपेसिटी से सर इन्होंने 5 की मांग की थी, मैं उसमें भी तैयार हूँ सर, 7.5 जो अभी बोला सर वो भी सर मैंने वकील साहब का भी मान रख लिया, ये 8 बोल रहे हैं सर, मैं अब मेरी भी सर वाकई पैरालाइज सर, मीनियस बीमारी हो गई सर मुझे, इनके इतना इन्होंने हरेस कर दिया, और सर अभी एक चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा सर, इन्होंने इस केस में नीचे कोर्ट की फाइल में सर छेड़छाड़ की है, जिसके संबंध में मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाया सर, घाव को कुरेदो मत सर, पूरा इन्होंने फाइल में सर पूरा कोर्ट की फाइल में छेड़छाड़ की है सर,
ये सर ये मेरा एविडेंस है सर मेरे पास, मैं सर ये केस मैंने लगा दिया है सर, सर केस नंबर है MCRC, आप निवेदन है आप इसे कनेक्ट कर लें। केस में तो कुछ नहीं होता जी सर, मैं निपटने के लिए मैं सर कॉम्प्रोमाइज के लिए बिल्कुल रेडी हूँ सर। सर इनकी 5 की बात हुई थी और सर जो कोर्ट का लिखा पड़ गया सर, हम बता देते हैं सर, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए आप, नहीं मेरे पार्ट पे है नहीं, मैं पार्टी बुला लेता हूँ, फिर श्रीमान जितने में कहेंगे वो लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं अपने पार्ट पे उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे मान लो सर मेरा सुन लें, क्योंकि ये जिस हिसाब से मतलब आप पैनल ऑफ एडवोकेट्स देखिए, ये मतलब जॉबलेस आदमी लग रहा है सर आपको, जॉबलेस आदमी। एक सेकंड सब, कल या परसों की डेट लगा हम तो कल, मेरी मेरा सबमिशन इतना सा है, मैं भी अपने क्लाइंट को कोशिश करूंगा कि उसको बूस्टअप करूं और ये भी अपने क्लाइंट को ये उसमें से कर लें। देखो तो अगर हो जाएगा तो हो ही जाएगा सर, दोनों को थोड़ा आगे आना। मेरी फेयरनेस ये थी कि 2 साल पुराना फाइनल किया हुआ अमाउंट मैंने दोबारा से भूल दिया, अगर मैं 12 से शुरू होता तो 10 पे ही आ जाते, पर मैं इन ऑल फेयरनेस मैंने 4 जगह भेजा हुआ ड्राफ्ट 10 लाख का। आई अप्रिशिएट योर फेयरनेस, मैं 10 लाख का ही तय था वो, मैं उतने में पार्टी को बना लूंगा। मंडे लगाए थे, मंडे लगा प्लीज कनेक्ट दिस केस टू, अरे सब निपट जाएंगे तुम्हारे राजीनामा, सब निपट जाएंगे, हम कर देंगे, क्वेश्चन कर देंगे, सब निपट जाएंगे।